फिर कुछ देर बाद एक कमरे से थोड़ी सी रोशनी आई। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी मेरे सामने एक ऐसा अजीब इंसान आया जो कि आधा जला हुआ था। उसके शरीर की कई हड्डियां भी साफ दिख रही थी। मैं अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और फिर एकदम से उस भयानक भूत ने मुझे कसकर पकड़ लिया और अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया और मुझे निगलने की कोशिश करने लगा। डर क्या होता है, ये हमें तब पता चलता है जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए, या फिर वो बेहद ज़्यादा डरावनी हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे सामने एक ऐसी चीज आ गई जो दिखने में तो इंसान थी लेकिन वह असल में एक भूत था। यह सब इतना अचानक से हुआ कि मुझे संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। दरअसल कई साल पहले मैं जिस घर में किराए से रहता था उसके पड़ोस में एक छोटा सा डरावना घर था जिसमें कोई भी नहीं रहता था। सिर्फ एक बुढ़िया उस घर के चबूतरे पर बैठी रहती थी। कुछ लोग बताते थे कि उसका लड़का इसी घर में अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद ये बुढ़िया पागल सी हो गई थी और दिन रात बस यहीं चबूतरे पर बैठी रहती थी। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा अभी भी इसी घर में रहती है और आसपास में भटकती रहती है। जो भी उसकी माँ को परेशान करता है या फिर उसे खाना नहीं देता है, वो आत्मा उसे खूब परेशान करती है। पहले मुझे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे साथ वो डरावना हादसा हुआ तब मुझे इस बात पर यकीन हुआ। एक दिन मैं शाम को अपने दोस्त की शादी में गया था। लौटते समय काफ़ी रात हो गई थी और वह रात भी अमावस्या की काली रात थी। चांद बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। सुनसान रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और मैं इतना अधिक डर चुका था कि चलने में मेरे पैर भी कांप रहे थे। मैं पैदल अपने घर की ओर जा रहा था और जैसे ही मैंने अपने मोहल्ले में कदम रखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे लगा जैसे मेरे आसपास कोई है और कोई मेरे बराबर से कदम मिलाकर चल रहा है। मैं जैसे ही उस खंडहर घर के सामने से गुजरा तो मुझे घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। पहले तो मेरा मन घर के अंदर जाने का नहीं था, लेकिन जब दूसरी बार आवाज़ आई तो मैं घर के अंदर जाने लगा। तभी अचानक से वही बुढ़िया मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक ली और अंदर न जाने के लिए बोलने लगी। लेकिन किसी के चिल्लाने की कई आवाज़ बार बार आ रही थी। मैं बुढ़िया से बचकर उस घर के अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, घर का दरवाज़ा तो पहले से खुला था और वह मेरे अंदर जाने के बाद अपने आप बंद हो गया। घर के अंदर एकदम गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि मेरे फ़ोन से भी लाइट नहीं जल रही थी और अब चिल्लाने की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। फिर कुछ देर बाद एक कमरे से थोड़ी सी रोशनी आई। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी मेरे सामने एक ऐसा अजीब इंसान आया जो कि आधा जला हुआ था। उसके शरीर की कई हड्डियां भी साफ दिख रही थी। मैं अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उस भयानक भूत ने मुझे कसकर पकड़ लिया और अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया और मुझे निगलने की कोशिश करने लगा। यह सब देखकर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी घर के सामने चबूतरे पर बाहर लेटा हुआ था और गांव वाले मेरे चारों ओर खड़े हुए थे। उस भीड़ में से एक जने ने बताया कि जब वह सुबह यहाँ से गुजर रहा था तो यह लड़का यहाँ लेटा हुआ था। इस हादसे के बाद मेरी खूब तबीयत खराब हुई। मैंने वो घर भी छोड़ दिया और अब दूसरी जगह रहता हूँ।
लेकिन जब भी वो डरावना हादसा याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है, मुझे बुखार तक आ जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आए लाल कलर वाले बटन को दबा दो।